ये है भाई लैला का पूरा कबीला, ये उसका पूरा गांव है, यहाँ पे वो रहती थी। देखो सब टूट टूट गया, कोई नामो निशान नहीं बचा भाई। ऊपर चढ़ के देखा करते थे कोई आ रहा है कि नहीं, पत्थरों से मार मार के इनको मतलब गांव से भगा दिए। मतलब ये जो जगह है ना, यहाँ पे लैला मजनू मिला करते थे। कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने। ये है मजनू की पहाड़ी, यहाँ पे मजनू खड़ा हुआ करता था गाइस। दोनों एक दूसरे से यहाँ पे आकर मुलाकात करते थे। यहाँ पे मजनू खड़ा होता था, वहाँ सामने लैला खड़ी होती थी, और यहाँ से मजनू लैला बोलता था और वहाँ से लैला मजनू बोलती थी। तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू एपिसोड। तो गाइस एक और नया दिन, एक और नया व्लॉग। तो गाइस आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ लैला मजनू की कहानी, आपने सुनी होगी। तो आज मैं उनका गांव दिखाने वाला हूँ कि भाई लैला गांव की मजनू गांव है लैला, क्योंकि लैला तो भाई सऊदी अरेबिया के थे लेकिन मजनू यमन की थी। तो आज मैं उनका गांव दिखाने वाला हूँ। अच्छा, जो उनका जो मिलाप हुआ था वो कहाँ हुआ था? वो यही हुआ था, फिर यहाँ से इनको निकाला गया। तो वो रियाद अलखर्ज रोड में एक गांव पड़ता है, उसी मजनू के नाम से गांव है। अच्छा अच्छा, शहर वही दम तोड़े थे जब जा रहे थे ये लोग यमन, मतलब उनको यहाँ से भगा दिया गया। हाँ, तो वो लोग यमन जा रहे थे। उनकी जो प्यार मोहब्बत की दास्तां पूरे दुनिया में चर्चाओं में रहती है भाई। तो आज हम जाने वाले हैं, चलो आई एम एक्साइटेड भाई, गांव देखने वाले हैं कैसा क्या है। बाकी आप ये रास्ता देख सकते हैं, यहाँ से करीब 20 से 25 किलोमीटर होगा है ना। पेट्रोल का जो पेट्रोल भी यही निकलता होगा, आराम को पेट्रोल जो निकलता है वो भी यहीं पे है। तो चलो गाइस दिखाते हैं आपको, एनल जवा जगह का नाम है। तो चलते हैं फटाफट, देखते हैं आज भाई लैला मजनू की जो कहानी हमने किताबों में पढ़ी है, मूवीज में देखी है, वो आज हम देखने वाले हैं। कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने। खाना आ गया, यहाँ खाना ऐसे खाया था क्या भाई है? ये देखे भाई, यही खाना है, सादा खाना। तो फाइनली गाइस अभी हम लोकेशन पे आ गए, और जैसे कि आप देख सकते हैं, ये देखिए, ये है भाई लैला का गांव। ये देखें आप कितना भाई बंजर पड़ा हुआ, टूट फूट गया, क्योंकि मिट्टी के घर हुआ करते थे उस समय, आज से कितने 100 साल पहले की बात है। हालांकि अभी यहाँ पे देखो लोग वगैरह रहते हैं। ये देखें भाई, चले अंदर चले, लैला गांव था ना ये। हाँ, लैला ये देखो, क्योंकि भाई लैला जो थी वो सऊदी अरेबिया की थी, और जो मजनू था वो था यमन का है ना, यमन का। तो चलो आओ चलते हैं अंदर, आपको दिखाता हूँ भाई लैला का घर। देखो पूरा टूट टूट गया, पूरा मिट्टी का। ये देखें आप, ये देखो पूरा मिट्टी लकड़ी का बना हुआ था, और अभी मतलब कोई मरम्मत वगैरह इसकी नहीं है। होते थे। ये देखो ऐसे गांव हुआ करते थे गाइस, अंदरूनी रास्ता वो सब लॉक कर दिया, अंदरूनी रास्ता था लेकिन बंद कर दिया गया है। तो भाई साहब लैला मजनू की दास्तां आपने टीवी में, सीरियल में, अलग अलग स्टोरी में पढ़ी थी, लेकिन आज मैं उनके गांव आ चुका हूं, और आपको मैं दिखा रहा हूं कि भाई लैला का घर कैसा हुआ करता था, उसका गांव। देखो सब टूट टूट गया, कोई नामो निशान नहीं बचा भाई। देखो यहां से कैसे बने रहते थे, ये देखे यहाँ से जाने के लिए ऊपर का किला। हाँ, ये किला टाइप का ना, यहाँ से रखवाली किया करते अंदर, मतलब चौकीदार। अच्छा, ऊपर चढ़ के देखा करते थे कोई आ रहा है कि नहीं, तो वो ऐसा बनाते थे वहाँ पे चिमनी जैसा। वो देखो मतलब यहाँ से जाते थे, आपको थोड़ा सा मैं अंदर ले चलूँ। ये देखे कुछ ऐसे रास्ते बने, देखो, और घर देख रहे हैं आप, ये देखो कितने 100 साल पुराने घर हैं ये। ये देखो इधर देखो आप, देख रहे हैं लकड़ी, देखो कितनी मजबूत है लकड़ियाँ, देखो ये देखें। तो देखें कैसे कैसे घर थे भाई, ये देखें पूरा एक गांव बसा था, लेकिन अभी क्या है ना, अभी कुछ लोग यहाँ पर रहते हैं। तो गाइस जैसे कि आप सामने देख सकते हैं, ये है लैला का पूरा कबीला, ये उसका पूरा गांव है, यहाँ पे वो रहती थी। जैसे कि आप देख रहे हैं ये पूरा कबीला है, देखें अभी तो पूरा टूट चुका है, देखें पूरा यार, मतलब जो मोहब्बत की दास्तां पूरे दुनिया में, पूरे दुनिया में इसकी मोहब्बत की दास्तां सुनाई जाती थी, वो आज कैसा है ये देखें आप, एकदम से टूट फूट चुका है। ये देखो तो मतलब इनको मार के यहाँ से भगाया गया था। हाँ, जैसा जिला बदर करते हैं ना, तो इस्लाम में क्या है, मतलब इनको गांव से बाहर कर दो, बदर कर दो। अच्छा, पत्थरों अच्छा। से मार मार के इनको मतलब गांव से भगा दिए थे। अच्छा, दोनों लोग भग गए पैदल। हाँ, पैदल पटे हुए कपड़े पत्थरों से मार के। तो जब ये रियाद से 80 किलोमीटर अलखर्ज पड़ता है, वहाँ अच्छा, जब पहुँचे अच्छा, तो वही गांव में जाके वो लोग दम तोड़ दिए। अच्छा, वहीं तो उनकी मजार वही बनी हुई लैला शहर के नाम से है। अच्छा, रियाद में है वो। हाँ, तो चलो वो तो हम आगे आपको दिखाएंगे। और ये हिस्टोरी है, ये गाँव है उनका, यही रहा करते थे,
और ये पहले पूरा रेत था। तो मतलब लैला तो यहाँ का थी, तो मजनू भी यहाँ आ गया था? वो यहीं आया होगा यमन से। अच्छा, वो यमन अच्छा, का था तिजारत करते हुए। हाँ, लेकिन वो बहुत खूबसूरत था जो लैला थी। अच्छा, वो जो है ब्लैक थी यानी काली थी। अच्छा, काली थी। हमको तो प्यार था, टीवी में तो गोरे दिखाते हैं। नहीं, ये तो प्यार थी, मोहब्बत था बस। मोहब्बत मतलब होता क्या चीज है? मोहब्बत के लिए देखो कहाँ से कहाँ तिजारत करने के लिए, मतलब व्यापार करने के लिए आया होगा, उसको मोहब्बत हो गई। हो गई बस। और बोलते हैं बदू, बदू वो मतलब काले लोग, काली लड़की थी। और हम लोग सीजन दिखाते हैं कि हाँ बड़ी स्मार्ट क्यूट। सब इस्लाम को फॉलो करने वाले थे, तो मतलब उस टाइम का यही शरिया कानून था। अच्छा, कि इनको पत्थरों से मार के गांव से भगा दो, बदर कर दो, जिला बदर। जैसे अभी देखते नहीं सीरियल दिखाते उर्दू गाजी में, इनको जिला बदर कर दो, इतने दोबारा आना नहीं। तो भाई साहब ये देखें, भाई ये थी उनकी, देख रहे कसीम बुरैदा के छोटा सा गांव है। अच्छा, अच्छा। जवा उसके बाजू में पड़ता है काफुल जवा। और यहाँ पे क्या है ना, उनकी दो पहाड़ियाँ भी हैं, लेकिन हम लोग बहुत देर से ढूंढ रहे हैं, मिली नहीं पा रही। जिन पहाड़ियों में वो भागा करते थे, जिन पहाड़ियों में भागते थे, घूमते थे एक दूसरे आपस में, वहां से वो मजनू खड़ा हो जाता था, उधर लैला खड़ी हो जाती थी। लेकिन हम लोग बहुत देर से ढूंढ रहे हैं, लेकिन लोकेशन जो है मिल नहीं पा रही, क्योंकि कोई एड्रेस नहीं, मैप लोकेशन नहीं। एक बंदा आया था लेकिन उसने भी प्रॉपर वीडियो नहीं बनाया, तो हमें मालूम नहीं। बाकी चलो कोई बात नहीं, जो हमारा मेन था मैंने आपको दिखाया भाई, जिसकी आपने मूवीज देखे हैं, सीरियल देखे हैं, स्टोरी पढ़ी है, तो ये देखें आप, पूरा खत्म हो गया एकदम, मिट्टी दरवाजा सब खत्म है। बाकी अभी क्या है यहाँ पे, तो डेवलपमेंट है, गांव बन रहा है, घर बने हुए, मस्जिद भी बनी हुई है, और लोग देखो यहाँ पे रहते भी हैं। देखें इधर, देखो इधर घर वगैरह में लोग रह रहे हैं अभी, जो मतलब बाहर के लोग होंगे, खारजी लोग हो सकते हैं, कोई भी है यहाँ पे रहते हैं। देखो चलो अभी फटाफट यहाँ से निकलते हैं, क्योंकि अभी हम लोग पहाड़ियाँ ढूंढने गए थे लेकिन वो पहाड़ी मिली नहीं, क्योंकि उसका कोई एड्रेस नहीं। अब यहाँ पे चारों तरफ तो पहाड़ी पहाड़ है, किधर भटके कुछ समझ में नहीं आ रहा। लोगों की लोकेशन देखी मैं, गूगल मैप देखा, कोई आइडिया नहीं, कुछ नहीं मिल पा रहा। हम लोग ये लोकेशन निकाल के रखेंगे, अगली बार नेक्स्ट टाइम जब आप आएंगे तब तो नेक्स्ट वीडियो आपको सीधा वही की लाइव मिलेगी। ठीक है, बाकी आप देखो, देखो ये एसी वगैरह लगी, देखो देख रहे हैं अभी, मतलब लोग इसमें रहते हैं। ये देखो, देख रहे हैं, पूरा एक कबीला हुआ करता था खेमा, जहाँ पे मजनू रहा करती थी, और उसके बाद लैला तिजारत ही करने आया था, मतलब यमन से तिजारत के लिए आया था और यहाँ मतलब उनको प्यार हो गया। इसी को तो प्यार कहते हैं। जमीन आसमान का फर्क था लैला और मजनू में, लेकिन लैला और मजनू पे जिस तरह से पत्थर बरसा गया, आपने मूवी में देखा होगा किस तरह से पत्थर बरसा गया, उसके बाद उनको जिला बदर कर दिया गया। फिर वो रेगिस्तान से चलते 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 रियाद पहुंचे, जहाँ पे उनकी मौत हो गई, वहाँ पे उनकी कब्र बनी हुई है। तो लैला शहर के नाम से जाना जाता है। तो कभी जाएंगे रियाद तो कोशिश करूंगा आपको दिखाने की। तो अभी फाइनली गाइस मैं लोकेशन पे आ चुका हूँ, और ये जो आप पहाड़ी देख रहे हैं ये लैला की पहाड़ी है, और ठीक उसके सामने आगे वहाँ पे मजनू की पहाड़ी है। मतलब ये जो जगह है ना, यहाँ पे लैला मजनू मिला करते थे। एक पहाड़ी के पास लैला खड़ी होती थी और एक पहाड़ी के पास मजनू, वहाँ से फिर एक दूसरे को देखते थे, इशारा करते थे, और इस लोकेशन पे दोनों आकर मिलते थे। तो भाई साहब देखो ये वाली लैला की पहाड़ी है, हालांकि इसको क्या ना चारों तरफ से कवर कर दिया गया, बंद कर दिया गया, ताकि अंदर कोई जा ना सके, क्योंकि लोग जाते हैं अंदर इसमें लिखते वगैरह हैं, तो इसलिए यहाँ के जो गवर्नमेंट ने इसको बंद कर दिया है। और ठीक आगे वहाँ पे अभी मैं आपको ले चलूंगा, वहाँ पे है मजनू की पहाड़ी, जो कि मैं आपको ले चलूंगा। बाकी आप देख लो, ये देखो ये लैला की पहाड़ी पूरा देखो। उस समय आप सोचिए यहाँ पे कुछ नहीं था, सिर्फ जंग रेती रेत थी, रमल धूप देखो कितनी ज्यादा होती थी। और मैंने अभी आपको उसका गाँव दिखाई दिया है, लैला का गांव दिखाया है मैंने अभी, और उसके ठीक आगे ये जो पॉइंट है ना, यहाँ पे दोनों लोग मिला करते थे, मुलाकात हुआ करती थी, मोहब्बत की मुलाकात। ये देखें आप, तो चलो अभी मैं आपको ले चलता हूँ। भाई साहब लैला यहाँ मिला करते थे अपने मजनू से, तो आपके लिए भी कोई लैला लाया जाए यहाँ। यहाँ तो मालूम है कानून क्या है, लोग देख लिए लैला मजनू, मैं भी लव मैरिज शादी किया। अरे वाह भाई। तो फाइनली गाइस चलो आगे चलते हैं, अभी आपको मैं मजनू की दिखाता हूँ, वहाँ पे मजनू की भी पहाड़ी है। तो ये तो लैला की पहाड़ी हो चुकी है, यहाँ पे इसको देखो कुछ इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे उर्दू से अरबी से तो थोड़ा अपने को आती नहीं। बाकी आगे चलते हैं, वहाँ पे आगे मजनू की है। हाँ भाई, अब लैला कहाँ ढूंढेंगे भाई, एक वाइफ है, बच्चे हैं, वही लाइफ है। ये देखें, ये देखें यहाँ पे उर्दू से कुछ लिखा हुआ है। बाकी देखो पहले जब ये ओपन था ना, तो क्या ना इसमें लोग जाते थे, देखो लिखा करते थे इसमें, ये देखें। तो अभी हम चल रहे हैं मजनू की पहाड़ी के पास, जहाँ से मजनू भैया खड़े हुआ करते थे।
और अपने लैला को लैला पुकारते थे, लैला लैला। उधर से यहाँ पे से मजनू खड़े होके, हाँ मजनू मजनू पुकारते थे। फिर इनके ऊपर पत्थर चले रेतों पे इनको दौड़ाया गया। अच्छा, कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने, कोई पत्थर से ना मारे। उसी शहरा में हम घूम रहे हैं। वाह वाह वाह, लोग सीरियलों में पिक्चरों में देखते हैं, आज हम यहाँ हैं, जमीनों में घूम रहे हैं। वाह वाह वाह। ओके लैला बाय बाय। यहाँ पे देखो लैला खड़ी हो कर दी थी, देख रहे हैं। चलो अभी सामने यहाँ से सीधा रास्ता लगा, मुश्किल से 100 मीटर होगा, जहाँ पे मजनू की पहाड़ी है, जहाँ पे मजनू खड़ा हुआ करता था, वो भी हम जगह आपको दिखाते हैं। ये देखें पूरा उस समय, अब समझिए कि उस समय क्या मंजर हुआ करता था भाई। अभी इतनी गर्मी है, धूप, यहाँ पे एक पत्थर था उसको हटा दिया गया। अच्छा, उसमें मतलब खून की छींटे थी। अच्छा, जो पत्थर से मारते थे, एक पत्थर में एक लगा के बैठे थे, तो वो पत्थर को यहाँ से हटा दिया गया, क्योंकि लोग बेहुरमती बहुत करते थे। अच्छा अच्छा अच्छा, फोटो खींचे, ये वो ममनू है यहाँ पे ना, यहाँ पे ये सब चीज एकदम ममनू है। दीवाने पड़े क्या मालूम, चूमने चाटने लगे। ये भाई मजनू है, चूमने चाटने लगे। पहले गाइस सामने देखो, ये देखें ये मजनू का है, ये यहाँ पे इसका इंस्ट्रक्शन दिया है, और यहाँ से देखो सारा कुछ मामला चालू हो जाता है पूरा। इसको देखो लॉक कर दिया है यहाँ के गवर्नमेंट ने, ये देखें। चलो ले चलते हैं आगे, अगर ये मामला खुला होता तो अंदर से हम आपको दिखा पाते, लेकिन कोई बात नहीं। अभी जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये है मजनू की पहाड़ी, यहाँ पे मजनू खड़ा हुआ करता था गाइस। जी हाँ, मजनू यहाँ पे खड़ा होता था, और लैला तो मैंने आपको दिखाया, लैला वहाँ से खड़ी होती थी, मजनू यहाँ से, और यहीं से चिल्लाती थी, लैला मजनू मजनू लैला। यहाँ पहाड़ी से दोनों लोग खड़ा हुआ करते थे, मतलब क्या है ना, ये जगह उनकी मिलने की जगह है, यहीं पे दोनों आते थे और एक दूसरे से मुलाकातें यहाँ पे होती थी। क्योंकि ये जो मोहब्बत है ना गाइस, इनकी जो मोहब्बत थी ना, बहुत पूरी दुनिया में इनकी मोहब्बत की मिसालें दी जाती हैं। चलो मैं आपको ऊपर से दिखाता हूँ, यहाँ से देखो रास्ता लगा हुआ है, हालांकि ये देखो इधर तो पूरा लॉक है, अंदर नहीं जा सकते। और अरबी भाषा में इसको क्या बोलते हैं, ममनू, यहाँ जाना ममनू है, बोले तो अंदर नहीं जा सकते, फोटो वगैरह नहीं क्लिक कर सकते, जो भी था ब्ला ब्ला ब्ला, अपने से क्या पता अपन दुनिया से आए। चलो ऊपर से मैं आपको दिखाता हूँ ये पहाड़ी कैसी है, आ जाओ। ये देखें गाइस, देख रहे हैं ये पहाड़ी, अभी तो देखो कितने सारे कबूतर वगैरह इसके अंदर अपना घोंसला बनाए हुए हैं, ये देखें। तो देख लो भाई, ये है मजनू का, मजनू की पहाड़ी इसको बोलते हैं, लैला की पहाड़ी, वो ठीक सामने। दोनों एक दूसरे से यहाँ पे आकर मुलाकात करते थे, यहाँ पे मजनू खड़ा होता था, वहाँ सामने लैला खड़ी होती थी, और यहाँ से मजनू लैला बोलता था, और वहाँ से लैला मजनू बोलती थी। ये देखें गाइस, ये है मोहब्बत की जगह। तो अभी तो देखो पूरा लॉक कर दिया गया है, कोई परमिशन नहीं अंदर जाने की, और वहाँ पे जैसे आप वहाँ से एंट्रेंस गेट है, वहाँ से अंदर एंट्री होती है, और लेकिन अभी तो पता नहीं कब इसको खोलते हैं, मालूम नहीं। बाकी तो अभी तक पूरा तरीके से लॉक है। तो मैंने कहा चलो आज भाई, जब मैं सऊदी अरेबिया आया हूँ, तो मैं आपको दिखाऊँ जिसकी मोहब्बत की मिसाल पूरी दुनिया में, हमने सीरियल देखे हैं, मूवी देखी हैं, किताबों में पढ़ा है लैला और मजनू की दास्तान, तो वो जगह मैं दिखाऊँ। आज मैंने आपको क्या दिखाया, और ये जो जगह है यहाँ पे क्या होता था, लैला मजनू आते थे, मुलाकातें होती थी, और उसके बाद क्या हुआ गाइस कि लैला और मजनू पर इतने पत्थर बरसाए गए, यहाँ की जो हुकूमत थी, यहाँ के जो लोग थे, बहुत पत्थर से मारा, डंडे से मारा। उसके बाद फिर क्या हुआ, इनको दोनों को यहाँ से भगा दिया गया, दोनों रेगिस्तान से होते हुए रियाद पहुँच गए, जहाँ पे उनकी वहीं दोनों की मौत हो गई। और ये भी बोलते हैं कि पूरा एक गांव कस्बा है रियाद में, जो कि मैं कोशिश करूंगा आपको आगे दिखाने की, और उनकी दोनों की वहां पे कब्र भी है, वो भी मैं कोशिश करूंगा आपको दिखाने की। तो चलो अभी आगे से देखते हैं कैसा क्या, फिर फटाफट यहां से निकलते हैं। चलो तो चलो फटाफट यहां से निकलते हैं। देख लिया भाई आपने भी, हाँ ये भाई लोग क्या, तीन बार आ चुके, लेकिन गाँव तो उन्होंने पता था, लेकिन ये जो पहाड़ी जहाँ से ये लोग मिलते थे, इनको ये लोकेशन नहीं मालूम। ये तो भाई तीन बार ढूंढ ढूंढ के निकल गए हम लोग, 100 रियाल के रेडबुल भी डाले लेकिन नहीं मिली, नहीं मिला, लेकिन आज जो है मिल गया, सब वसूल हो गया, मुझे पता था ना। तो चलो अभी फटाफट यहाँ से निकल रहे हैं, ठंडा हो जाएगा, हाँ यार पानी रख दो। चलो अभी फटाफट यहाँ से निकलते हैं आगे, क्योंकि भाई हमारा जो मेन मकसद था लैला मजनू का, लैला का गांव दिखाया, उसके बाद ये मजनू और लैला जहाँ पे मिला करते थे, दोनों की मुलाकातें हुआ करती थी, और यहाँ से मिलने के बाद फिर उनके पास इतने पत्थर चले, डंडे ईंटों से मारा, कोई पत्थर से नहीं मारे मेरे दीवाने को। उसके बाद ये गाना जो हमारे इंडिया में वायरल हुआ ना,
तो आज वो लोकेशन पे है, ठीक है। तो चलो अभी फटाफट यहाँ से आगे निकलना, क्योंकि भाई गर्मी भी बहुत ज्यादा है और अभी क्या ना ऑफिस का टाइम भी हो रहा है हमारे। क्योंकि यार अगर सोने के लिए एक घंटा सऊदी में ना मिले तो बस कोई लाइफ नहीं फिर। चलो लेकिन यार कभी कभी कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। कुर्बानी क्योंकि भाई बंदा हमारा गांव से यार, गांव हमारे गांव के गांव का लड़का है यार, खुशबू है हमारे गांव की, तो यार इतना तो हक बनता है। सही है, भाई लोग हैं तो क्या दिक्कत है भाई। हाँ भाई लोग तो होते हुए कोई दिक्कत हो तो फिर बेकार है। कोई दिक्कत नहीं, पूरे सऊदी के अंदर कोई दिक्कत नहीं भाई, हम लोग अल्लाह का करम है, यहाँ पे दौलत शोहरत घूमना खाना सब कुछ किया अल्लाह ताला ने, हम लोग को सब कुछ दिया। सही है, सही और उसी में हम लोग खुश है भाई। तो चलो फटाफट यहाँ से निकल रहे हैं। बाकी देखो इधर कितना पहाड़ यार, अभी तो क्या यहाँ गवर्नमेंट डेवलप कर रही है, यहाँ पे घर वगैरह बन गए, लेकिन उस समय क्या मंजर रहा होगा यहाँ पे, देख रहे हैं। कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने।